औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह एग्री 786। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो पोलिनेशन के मरला पर, जब फ्लैग लीफ मुकम्मल तौर पर निकल चुका होता है और पोलिनेशन हो रही होती है, वहाँ पर अगर पत्ता लपेट का मसला बन जाता है तो उसे कैसे मैनेज किया जाए और फ्लैग लीफ को कैसे बचाया जाए, इस हवाले से तमाम तर मालूमात जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो हम फसल के ऊपर बना रहे हैं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी मालूमात से फ़ायदा उठाते हुए अपनी फसल की अच्छी देखभाल करें कि ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। सबसे पहले मैं आपको इस फसल के ऊपर पोलिनेशन का अमल हो रहा है, यानी कि इस वक्त तो नहीं हो रहा, टाइम होता उसका 10 बजे से 2 बजे तक पोलिनेशन का, और इस वक्त जो पत्ता लपेट के अटैक आया है मैं वो आपको मुशाहदा पहले करवा दूं कि वो कहाँ पे है और उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त जो है ना, एक तो मसला इसके अंदर है टॉप बोरर का है और दूसरा साथ साथ जो है ना वो पत्ता लपेट का है। ये आप देख लें, ये मुंजर और इसके साथ है ये, इसे झंडे वाला पत्ता भी कहा जाता है, इसे फ्लैग लीफ भी कहा जाता है, इसे मदर पत्ता भी कहा जाता है। और इस मदर पत्ते का जो किरदार होता है वो इस मुंजर की भराई में 70 से 75% जो भराई का सिलसिला है इसकी वजह से होता है, यानी कि ये खुराक इतनी मुहैया कर देता है इसको कि ये अपनी पूरी भराई कर सकता है। अब जब मदर ही पत्ता बचेगा नहीं तो फिर इसकी खुराक कैसे मैनेज करेंगे। याद रखें कि अगर हम सिर्फ इस बात को लेकर बैठ गए कि भाई क्रॉस पोलिनेशन का अमल जारी है, हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए, यहाँ पे नुकसान हो जाता है, तो यकीन जानो कि अगर फ्लैग लीफ मर गया ना, फ्लैग लीफ हमारा ज़ाया हो गया, तो यकीनी तौर पे 70% जो आपकी पैदावार का नुकसान होगा ना वो कोई पूरा नहीं करेगा। दोस्तों, इस वक्त ये चेक कर लें कि पत्ता लपेट की वजह से, आइए ये इसके अंदर भी सूंडी भी अभी ठीक है, और इसके चेक कर लें कि इसने कितना क्लोरोफिल जो इसका ज़ाया कर दिया। अब ये नुकसान हमारा कोई स्प्रे भी अगर कह लें वो पूरा नहीं कर सकता, खा अब किसी का भी कर लें, अब अमाइनो एसिड के करें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करें, कॉपर सल्फेट करें, सल्फर का इस्तेमाल करें, बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल करें, ये आपका कोई भी अगर कहे ना कि ये अजाला पूरा कर दे, नहीं कर सकता। अब बात होगी कि इसके कंट्रोल कैसे करना है, ये मैं आपको एहतियाती तदाबीर इसकी बता देता हूँ। अगर आप इस पर अमल कर गए इंशाल्लाह आपकी पैदावार जो है ना इंशाल्लाह बेहतर आएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये चेक करें इसके ऊपर वाइट बूर अभी तक बाकी है, इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी तक क्रॉस पोलिनेशन का अमल होना है। क्रॉस पोलिनेशन का अमल जो होना है उसके टाइम मैंने आपको बता दिया 10 बजे से 2 बजे तक। अब इस बात को जेर नशीन बना लें कि 10 से 2 बजे तक तो पोलिनेशन का अमल होना है, उस वक्त आप स्प्रे से ब्रेज करें, क्योंकि इसके ऊपर अगर पत्ता लपेट का मसला आ गया है, पोलिनेशन के अमल पर हमें स्प्रे करना हमारी मजबूरी बन रही है, तो 10 बजे से 2 बजे तक आप स्प्रे ना करें। उसके बाद आपके पास हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने घंटे हुए, तकरीबन 7 घंटे आपके पास दरकार हैं। बल्कि मैं कहूँ अगर आप शाम के बाद भी स्प्रे कर लें तो कोई, मेरे ख्याल में तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है उस वक्त स्प्रे भी बआसानी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लेबर का मसला है, स्प्रे वाला स्प्रे नहीं करके दे रहा, तो आप 3 बजे के बाद 3, 4, 5, 6, 7 ये आपके पास 5 घंटे हैं, और 5 घंटों में आप यकीनी तौर पे आधा घंटा लगाता है, 10 एकड़ तो आराम से हो जाएंगे। अगर 2 बंदे आते हैं 20 एकड़, तो इस तरीके से आप जो है ना स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा पौधे के ऊपर। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता पोलन ज़्यादा है, क्रॉस हो रहा है, क्योंकि क्रॉसिंग का मरला भी है, वो चलता है, लेकिन उसके स्प्रे करने का स्टाइल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होना चाहिए मेरे ख्याल में। इस वक्त ये मशीन जो है वो जनरेटर वाली चली है, उसके पास जो गन होती है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है,
तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि उसके गन की वजह से अगर आपका नुकसान होगा तो वो यकीनी होगा। उस गन के साथ आप स्प्रे ना करवाएं, या उसे कहें कि वो 6-7 सुराखी न्यूज़ल मिल जाती है बाज़ार से, वो न्यूज़ल का इस्तेमाल करें कि इस मुंजर की जो है ना, कह लें कि मुंजर के बराबर स्प्रे ना करें, बल्कि उसकी लेंथ ज़्यादा हो, यानी ऊपर हो, ऊपर रख कर वो स्प्रे करे और ज़्यादा फुहार के अंदर स्प्रे करे, उसकी फुहार बारीक हो, जो इसके पोलन को गिराने में जो मैं कहता हूँ वो गिरा ना सके, नुकसान ना दे। लिहाजा अगर आप ये एहतियाती तदाबीर, दो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर लें, एक तो स्प्रे करने का स्टाइल जो है ना वो बदल दें, और दूसरा जो है टाइम बदल दें। अगर पोलन के मरले पर भी आपका स्प्रे होना है, मजबूरी बन गई है, तो आप यकीनी तौर पर करें, इंशाल्लाह इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। मगर याद रख लें कि पोलिनेशन के अमल पर स्प्रे करना जो है ना वो ख़तरे से खाली उस वक्त नहीं होता जब पोलिनेशन का अमल जारी हो रहा था, यानी कि 10 बजे से 2 बजे आप करेंगे तो यकीनी तौर पर नुकसान के ज़्यादा खदशात बढ़ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है इसकी तमाम तर मालूमात जो हैं आपको समझ आ गई होंगी। इसके साथ साथ मैं एक और बात भी शेयर कर दूँ कि अगर ब्लास्ट का ज़्यादा अटैक हो गया, पत्ता लपेट तो है ही, अगर ब्लास्ट का ज़्यादा अटैक हो गया तो ब्लास्ट का स्प्रे भी साथ मिला सकते हैं, क्योंकि ब्लास्ट भी जो है ना दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा उसका स्प्रे भी साथ मिलवा सकते हैं। पत्ता लपेट का अगर मसला नहीं है, ब्लास्ट का ज़्यादा मसला बन रहा है, उसका स्प्रे भी करवा सकते हैं। मगर याद रखें कि ये दो एहतियाती तदाबीर जो मैंने बताई उनको ज़हन में रख कर आप स्प्रे करवाएं, इंशाल्लाह मेरे मालिक के फजल से आपकी पैदावार जो है यकीनी तौर पर बेहतर आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमने मालूमात दी हैं उसकी समझ आ गई। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल बाकी है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह याद फरमाएंगे। आप ज़रूर तशरीफ़ लाए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।